यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारे समोसे बना ली और बस मुझे अब फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो मैं अभी फ्राई करती हूँ। होममेड समोसे क्यों बाहर 20-30 रुपए डालना, घर में ही जब इतने अच्छे समोसे बना सकते हैं हम। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोल के मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कढ़ाई गरम होने के बाद मैं इसमें तेल ऐड करी हूँ। अभी तेल गरम होने दे, जैसे ही हमारा तेल गरम होता है तो इसमें मैं फौरन प्याज ऐड करूंगी जो बारीक बारीक काट को हो। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है तो मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। तो प्याज को अच्छे से हमें गोल्ड पिंक पिंक कर लेना है। थोड़ी सी खट्टी मिर्च आएगा, ये कोई बात नहीं। तो चलिए प्याज को हमें अच्छे से पिंक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी प्याज पिंक हो चुकी है तो मैं इसमें खट्टी मिर्च ऐड कर रही हूँ। दो मिनट में इसे इसमें ही पकाऊंगी। तो दो मिनट हो चुके हैं तो मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूंगी खीमा। तो अभी हमें खीमा को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें अभी मैं ऐड कर चुकी हूँ हल्दी का पाउडर। आप अपने हिसाब से डालिए नमक आप। तो अभी हल्दी के साथ इसका बिसान पानी गिराने के वास्ते हमें अच्छे से मिक्स करना है हल्दी और नमक को खीमा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा ब्राइटनेस कम थी इसलिए आपको डिम दिख रहा होगा, लेकिन अभी बराबर दिख रहा है। जो इसमें मुझे कलर दिख रहा वही कलर इसमें भी दिख रहा है, परफेक्ट। तो मैं अभी इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ। सूखे मसाले में डाल रही हूँ मैं चिली पाउडर,
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। मैं 2 टीस्पून डाली हूँ क्योंकि हमें तेज खाना पसंद है, और ज़ीरा पाउडर, मेरा ज़ीरा ख़त्म हो चुका था इसीलिए मैं 10 रुपये वाली पैकेट ले लेकर के डाल रही हूँ, जिससे ज़ीरे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैं तेज इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करी। तो हमें इसे 2 मिनट तक पकाना है। तो ऑलमोस्ट हमारा खैमा बन के रेडी है। आटा तो हमें पहले ही गून लिया, बस अब 2 मिनट। जो ये पानी दिख रहा ना, तो देखिए यहाँ पे जो पानी दिख रहा है ना, वो पानी जिरने तक। अगर आप इसमें मटर डालना है तो आपकी मर्जी, तो आप डालना चाहते हैं तो आप डालिए, वरना स्किप करिए, मुझे नहीं डालना चाहिए था। अगर मटर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला था मटर गलने के वास्ते, तो इसीलिए मैं जल्दी झटपट बनने के वास्ते इस तरह से रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत टाइम कम है तो इसीलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। अगर आपको मटर डालना है तो आप डाल सकते हैं। वेजिटेबल की भी समोसे मैं बहुत ही जल्दी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है, तो मैं हाफ कर रही हूँ गैस का फ्लेम। अभी बस इसे हमें ठंडा होने छोड़ना है 10 मिनट, हमें 10 मिनट में तो आराम से ठंडा हो जाएगा ये। तो चलिए जब तक हमें पेड़े बेल लेंगे। तो ये वाली समोसे की शीट आपको कहीं भी आराम से मिल जाएगी, तो ये वाली शीट ली मैं, और यहाँ पे एक 4-5 काट के रखूँ, जितना मुझे चाहिए उतना। तो देख लीजिए, तो बस खाली इसका पेस्ट बनाने के लिए मरकिन काटे में थोड़ा सा पानी डालना है और इस तरह से मिक्स करना है। तो ये एकदम पेस्ट बन के रेडी हो चुका समोसों को एकदम चिपकाने के लिए, ताकि वो तलने के टाइम पर कभी कहीं से भी ना खुले। सिर्फ मरकिन काटा और थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से पेस्ट बनाना है। तो चलिए मैं समोसे का फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से शीट रहना है, बस हमें इस तरह से मोड़ना है इसे, इस तरह से इसे मोड़ना है इधर, थोड़ा सा इस तरह से पेस्ट लगाना है, तलने के टाइम पे कहीं से भी ना खुले। तो यहाँ पे देख लीजिए बनके रेडी है। तो बस अब इसमें मसाला भरना है हमें, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके, और ये एक्स्ट्रा को हमें इस तरह से मोड़ देंगे, तो हमारा ट्रायंगल शेप समोसा बनके रेडी है। तो चलिए मैं भर के बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए आप अपने हिसाब से भर लीजिए। तो मुझे बस इतनी ही क्वांटिटी चाहिए थी, तो मैंने भर ली। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाना है हमें, ताकि ये कहीं से भी ना खुले, बस इस तरह से थोड़ा सा मोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा समोसा बनके रेडी है, देख सकते हैं, अब बस तलना है। तो चलिए ऐसे ही करके सब कुछ मैं बना लेती हूँ। एक कोन जैसा तैयार करना है हमें। अब भर तो लिया है मैंने, बस इधर कॉर्नर में इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट ऐड करूंगी, जिससे तलने के टाइम पे ना खुले। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा समोसा बनके रेडी है, बस इतना ही। क्यों 15-20 रुपए जाके खर्चा करना समोसे को, खैमा के समोसे को आराम से हमें घर में ही बना सकते हैं, इजी है ना।
ये कहीं भी आपको और डीमार्ट में कहीं भी आपको ये पापड़ मिल जाएंगे, जो ऑनलाइन ग्रोसरी का मॉल रहता है वहीं पे मिलेंगे आपको, बाकी दुकानों में नहीं मिलेंगे। मैं मैंने बहुत फिरा, नहीं मिला, तो मैं आखिरी में जाके एक ग्रोसरी मॉल में था, वहां पे जाके ली। वहां तो मुझे आराम से मिल गया, 60 रुपीज़ का एक पैक मिल गया, तो आराम से एक मुझे 15 से 12 दिन आ जाएंगे, मेरे पैसे भी बच जाएंगे, बहुत अच्छी है ना, सेविंग भी हो जाएगी मेरी, और घर में ही कुछ अच्छा सा हेल्थी सा बना के खाऊंगी। बाहर के तेल कैसा रहता है कुछ नहीं पता, कोई साइड इफेक्ट्स हो गया तो क्या करना है, इसीलिए मैं घर में ही बना लेती हूँ।